हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रोजी। आज मैं आपको ग्रीन चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। एक बार मेरे स्टाइल में जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। ये बन गया है, बनता है कैसे आपको दिखाएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी कोई भी नई रेसिपी आए आप जल्दी से देख सकें। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हमेशा से मेरी रेसिपी को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलते हैं, मैंने कैसे बनाया है ग्रीन चिकन, बहुत ही मज़े की बनेगी, आपको दिखाएंगे। बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मज़े की बनेगी, तो मेरे स्टाइल में जरूर ट्राई करना। ग्रीन चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, ग्रीन चिली, साथ में लिया है फ्राई किया हुआ ऑनियन और कुछ काजू, 15 से 20 काजू लिया है। इन सभी को हम पीस कर एक पेस्ट बनाएंगे। धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, ग्रीन चिली को एक साथ पीसेंगे और फ्राई किया हुआ ऑनियन इसको अलग ही पेस्ट बनाएंगे और काजू का अलग ही पेस्ट बनाएंगे। तो सबका पेस्ट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया है, आप चाहें तो बोन के साथ भी ले सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे चिकन को मैरिनेशन करेंगे। धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, ग्रीन चिली का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको चिकन के साथ ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। फ्रेश दही 1 कप ऐड करेंगे। फेट के तैयार किया हुआ, अच्छे से इसको फेट ले दही को। अब इसको चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर रूम टेम्परेचर अच्छे है तो आप ठीक है तो आप रूम में रख सकते हैं, अदरवाइज फ्रिज में रखें। इसको हम 3 घंटा रेस्ट देंगे। अगर आपको जल्दी बनाना है तो 1/2 घंटा रेस्ट करें। एक पैन लेंगे, पैन में 3 से 4 चम्मच तेल ऐड करेंगे। इसी के साथ तेज पत्ता, साबुत दालचीनी और छोटी इलायची ऐड कर देंगे। मैरिनेशन किया हुआ चिकन अब ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे, ऊपर से नीचे ऐसे ही थोड़े थोड़े देर चलाएंगे। चिकन को भूनेंगे अच्छे से, थोड़ी थोड़ी देर में हम चलाएंगे ताकि कढ़ाई में लगे ना, जले ना। बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, तो ज़रूर ट्राई करना मेरे स्टाइल में ग्रीन चिकन। यहाँ पे मुझे लगा कि नमक कम है तो इसलिए मैं दोबारा इसमें ऐड कर रही हूँ। आप भी टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें ताकि अभी इसी वक्त अगर हम नमक सही क्वांटिटी में देंगे तो चिकन के अंदर नमक अच्छे से कोट हो जाएगा, नहीं तो खाने टाइम में हमें फीका जैसा फील आएगा और बिल्कुल मज़ा नहीं लगेगी। अब इसमें कोई पानी हम ऐड नहीं करेंगे,
क्योंकि ये मैरिनेशन किया हुआ चिकन जो है इससे पानी आएगा, इससे अच्छे से पक जाएगा और अच्छे से ये हो जाएगा। अच्छे से पक जाएगा और इसको सोख लेंगे। इसी के साथ काजू का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसको भी अच्छे से चिकन के साथ पका लेंगे। फ्राई किया हुआ ऑनियन जो हमने पेस्ट बनाया था इसको भी हम ऐड कर देंगे। अब इसको पकने देंगे। इसमें कोई हम हल्दी पाउडर या चिली पाउडर ऐड नहीं करेंगे, ये ऐसे ही पकता जाएगा और बहुत अच्छा ग्रीन कलर आएगा, बहुत मज़े की लगेगी। अब इसी के साथ 2 से 3 चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम ऐड करें, आपके पास है तो ऐड करें वरना स्किप करें। अब इसको हल्का हल्का चला लेंगे। अब इसको भी अच्छे से पकने देंगे। अच्छे से भूनने देते हैं। अब इसी के साथ हम ऐड करेंगे गरम मसाला। दो से तीन मिनट तक हम फिर से भूनेंगे, इसको पकने देंगे। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच पानी इसमें ऐड कर दी हूँ ताकि ग्रेवी भी मुझे थोड़ा चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच पानी ऐड किया है, मतलब 1 कप के करीब। तो इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। इसी के साथ बटर ऐड कर देंगे। मुझे थोड़ा ग्रेवी चाहिए था तो इसीलिए मैंने पानी ऐड किया है। फिर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए, थोड़ा सूखा जैसा चाहिए, तो आप पानी ना ऐड करें। अब इसी के साथ हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब थोड़ी देर फिर से पकाएंगे। इसकी जो ग्रेवी है बहुत टेस्टी होती है, जरूर ट्राई करना मेरे स्टाइल में। कोई मेहमान घर में आ रहे हैं तो जरूर ट्राई करना ये वाली रेसिपी, सबको बहुत पसंद आएगा। मेहमान के सामने ये रेसिपी सर्व करने वाली रेसिपी है, तो जरूर ट्राई करना। अब ये बन के तैयार है, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। एक कंटेनर लेंगे, इसमें ग्रीन चिकन ऐड करेंगे। है ना बहुत मजे की, बनाना भी बहुत आसान है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करना, उससे ज़्यादा अच्छी लगी है तो शेयर करना। अब तक जो भी मेरी रेसिपी को शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। एक बिग सैल्यूट है उनके लिए, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। हमेशा खुश रहिए। हमेशा से मेरी रेसिपी को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बाय बाय, टेक केयर।